इस जगह से आगे है अमेरिका और कनाडा, लेकिन वहां तक जाने के लिए आपको ये मीलों लंबा समुद्र पार करके जाना होगा। लेकिन भाई जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है। कैसे हैं आप सब, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको लेके जाना वाला हूँ एक नई जगह पर, और अभी फिलहाल कैशकेश और ये कम्बोई यानी कि ट्रेन है यहाँ की, और आगे बस में जाएंगे। हमेशा की तरह जैसे मैं बताता ही हूँ कि किस जगह पर जाने वाला हूँ वो मैं आपको वहाँ पर जाकर ही बताऊँगा। बहुत अच्छी जगह है और उसके बारे में काफ़ी मैंने सुना भी है। तो ठीक है, बाकी की बातें हम आगे चलकर ही करते हैं फिर। इस जगह का नाम है कैशकेश और मुझे जाना है काबो दे रोका, और उसके लिए मुझे लेनी होगी बस। 403 नंबर बस यहाँ से जाएगी। मेरे पास वैसे ये लिस्बन का ट्रांसपोर्ट कार्ड है, ये लिस्बन में पूरे में चलता है, चाहे आपको फेरी में जाना हो या मेट्रो में या ट्रेन में बस में, हर जगह चलता है। लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ पर शक लग रहा है कि यहाँ पर ये शायद काम नहीं करेगा, अलग से कोई टिकट मुझे परचेज़ करनी पड़ेगी। चलो देखते हैं चलकर कि ये वर्क करता है या नहीं, क्योंकि हर महीने ये 40 यूरो का रिचार्ज करना होता है इस कार्ड को। तो आप 40 यूरो में आप पूरे लिस्बन में अनलिमिटेड राइड्स कर सकते हैं किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, फेरी, ट्रेन, मेट्रो और बस में। तो चलिए चलते हैं 403 नंबर बस में। थैंक गॉड कि ये जो पास है मेरे पास इस बस में काम कर गया, नहीं तो अलग से मुझे टिकट परचेज करनी पड़ती थी। कैशकेश से 403 नंबर बस में बैठकर मैं पहुंच चुका हूं काबो दे रोका, और इस बस में मेरा जो पास है लिस्बन ट्रांसपोर्ट का वो वर्क कर गया। अगर मेरे पास 40 यूरो का पास नहीं होता तो मुझे पे करने पड़ते 5 यूरो इस बस की टिकट है। तो चलिए आपको दिखाता हूं कि यहां पर खास क्या है। कैशकेश से 11 किलोमीटर दूर ये एक सुंदर सा छोटा सा प्लेस है जिसका नाम है काबो दे रोका। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ और उसका जवाब सच सच देना, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। छोटे थे आप, स्कूल में पढ़ते हुए, मैं भी स्कूल में पढ़ता था ऑब्वियसली, तो क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया कि जो हमारी ये धरती है, पृथ्वी है, इसका एंड कहाँ पर होगा? जैसे हमारे इंडिया में गोवा, कन्याकुमारी, जिस भी प्लेस को समुंदर टच होता है वो हमारे इंडिया का एंड है, अर्थ का एंड है। तो वैसे ही भाई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर धरती खत्म हो जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा।
और भाई जगह कैसी लगी फिर? अच्छी है लेकिन यार हवा बहुत गंदी हवा चल रही है। इस जगह से आगे है अमेरिका और कनाडा, लेकिन वहां तक जाने के लिए आपको ये मीलों लंबा समुद्र पार करके जाना होगा। लेकिन भाई जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है। कहा जाता है कि ये यूरोप का एंड है, यूरोप की जो धरती है वो खत्म हो जाती है और जहां तक नजर जा रही है आपको सिर्फ पानी पानी वैसे तो ये कशकैश से 11 किलोमीटर ही दूर है, बट यहाँ पर आने के लिए आपको कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। ये पूरी जगह भाई एक हिल स्टेशन की तरह है, जैसे हम शिमला वगैरह में जाते हैं वैसे ही रोड थे, आपने देखा होगा पिछले वीडियो में काफ़ी ढेर सारी खाइयाँ और समुंदर का बहुत अच्छा वीडियो होगा। हाँ जी, कशकैश पहुँचण दे तुहाडा सारयां दा हार्दिक स्वागत आ। ठीक है जी, कदे कदे पंजाबी भी बोलनी चाहिए है, लगी क्यों नहीं है सारे ने समझ। तो थोड़ा आप हम कशकैश घूमते हैं और गलियां दिखाने और सोहना सोहना बाजार दिखाने। चलो फिर चलिए।
लिस्बन के नज़दीक और समुंदर के किनारे ये बसा कैशकैश, एक छोटी सी नहीं यार, काफ़ी बड़ी जगह है ये और बहुत ही ब्यूटीफुल है, पीसफुल है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी शांति है, इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है। और ऐसी जगह भाई आपको ही पता हमें बेहद पसंद आती हैं घूमने के लिए। और शाम का टाइम हो चुका है, वैसे मैं काबो दे रोबा को जाकर आ चुका हूँ, ये बाद में हम वीडियो शूट कर रहे हैं। आपने देखा होगा काफ़ी अच्छे अच्छे शॉट वहाँ पर मिले देखने को, बहुत अच्छी जगह थी। बस हाँ यार, हवा ने बहुत परेशान किया वहाँ पर, हवा बहुत तेज़ चल रही थी जिसकी वजह से मैं आपसे बात भी नहीं कर पाया, क्योंकि आवाज़ आपको सुनाई देनी नहीं थी, कोई फ़ायदा नहीं था ऐसे। इस तरफ है ये छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई हैं, चलिए दिखा के आता हूँ आपको भाई। बड़ी क्यों है छोटी छोटी शॉप्स हैं, कैंडी की शॉप है और ये पता नहीं भाई आइसक्रीम है शायद, लग तो भाई आइसक्रीम की ही रही है शॉप। अच्छा यार, इनका क्या है कि आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा है यूरोप का, और ये अपने मतलब पुराने इमारतों को वैसे ही बना कर रखते हैं, उनको संभाल कर रखते हैं, और देखने में वो और भी अच्छी लगती है मेरा। ये है पुर्तगेशी पेस्ट्रिया, यहाँ की काफ़ी फेमस शॉप है, रेस्टोरेंट, यहाँ पे कॉफ़ी और ये पो ब्रेड वगैरह होते हैं। मोस्टली यहाँ के जो लोग हैं वो शाम के टाइम कॉफ़ी वगैरह पीते हैं और पो वगैरह खाते हैं, फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ का, तो चलिए ट्राई करते हैं यहाँ की कॉफ़ी। ये आ गई अपनी दूध वाली कॉफ़ी, चुको फिर पानी वाला है दूध वाली कॉफ़ी, चुको फिर है चुको। तो भाई फिर अब रात का डिनर हुआ गुरुद्वारे जाना पड़े, मैनू यही लग रहा है कि 7:30 साढ़े 7 हो गए। हाँ जी हाँ जी, 9 बजे तक डिनर गुरुद्वारे। ट्रैवल किंग के स्रोतों प्यार भरी सत श्री अकाल, तो भाई इतने वीडियो देखते रहो, थोड़े प्यार की सानू लोड़ है, थोड़े नाल साडा हौसला वधदा, मान दान वधाओ साडा, जिदा तुसीं शेयर करते हो देखते हो कमेंट करते हो, तो सो इन्ना प्यार करने लई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। तो इतने वीडियो देखते रहो, अगे थोड़े वास्ते इतने ही वधिया वधिया वीडियो लैके आते रहेंगे। आई होप कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ यार वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि भाई ने बोला हौसला मिलता है इससे, और लाइक जरूर कर देना वीडियो को, अगर चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो को हम यहीं पर बंद करते हैं, क्लोज़ करते हैं, और मैं आपको मिलूँगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और अभी हम चलते हैं गुरुद्वारा, टाइम ज़्यादा हो गया भाई। तो आज की जो डिनर पार्टी हमारी वो गुरुद्वारा में होगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है घर जाने में, अभी हमें 1 घंटा लग जाएगा कम से कम।
एक या डेढ़ घंटा लगेगा। तो फिर जाकर बनाने की हिम्मत तो नहीं है, आज लंगर खाते हैं और प्रभु के गुण गाते हैं। ओके मिलते हैं फिर, बाय बाय।